कजिन। हाय कजिन। चम 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 चम। बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, वो क्या है, एक नया क्लाइमेक्स रेडी किया है। डॉक्टर ने डैडी को चेक करके कह दिया उनको कुछ भी नहीं है। कैसी कही? अरे रे 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 रे, बहुत खूब है। उसी भी अच्छा क्लाइमेक्स है। क्या है बता मुझे? वो बीमारी बाप का नहीं है, बेटे का है। ये कैसे रहेगा? या कोई शक कजिन? मजाक नहीं है, टेक इट इजी। ये क्लाइमेक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। Hey, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्रॉमिस कजिन, हमारी कहानी का वो प्यार हो गया, चला गया, सॉल्व हो गया। पायल, तुम्हें आजादी मिल गई। तुम मुझे पसंद करती हो ना? राजा तुम्हें पसंद है? अपने मन की बात उसे बताने जा रही हो? 25 साल पहले इस घर की सारी खुशियां एक प्यार छीन के ले गया। जब हम लौट कर आए तो खुशियां भी लौट कर आई। ऐसे लगता है हर दिन इस घर में दिवाली है। कल हम लोग जा रहे हैं फिर से एक प्यार इस घर की खुशियों को
क्या हुआ? गलत है प्यार करना? अरे नहीं, मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ। खुशियाँ देने के लिए आए सो दे दिए, जब हम वापस लौटेंगे तो हम चाहते हैं कि सभी उसी खुशी के साथ हमें भेजें, इसीलिए बोल रहा हूँ। इस परिवार वालों पे जो मेरे एहसान है, इस वजह से मैंने ये बात छुपाई। ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती, पता नहीं। यही प्यार है, सच्चा प्यार इंतजार करके जीतेगा। आप कहते हैं तो ठीक होगा, शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगी। थैंक यू अंकल। आप वापस जरूर आएंगे ना? जरूर वापस आएंगे, इस परिवार के लिए नहीं, तुम्हें लेकर जाने के लिए। क्यों, बारिश में भीगने की आदत नहीं गई क्या? आप भी डैड, आई हेट दिस प्लेस। सूखा हुआ जगह है ये, एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से बैलगाड़ी, और रास्ते में क्या है वो ताड़ का पेड़। हाँ ताड़ का पेड़, गांव के बीच में एक तालाब है और पूरी गंदगी से भरा हुआ है। सो बोरिंग डैड। डैड चलो हम कहीं चलते, कलरफुल लाइफ, वंडरफुल गर्ल्स, डिजिन डिस्को, फास्ट कार्स। नो 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 नो, गिव मी ब्रेक। नो, वी आर नॉट गोइंग। पुरानी बातें भूलकर पिताजी बात करने लगे हैं। कुछ दिनों से वो बहुत खुश हैं, वो क्यों बिगाड़े? अगर हम जाना चाहेंगे भी तो वो जाने नहीं देंगे, मैं उनसे बोल नहीं सकता। डैड मैं जाकर दादाजी से बात करता हूं। नो नो, एक बार कोशिश तो करने दीजिए। जब मना कर रहा हूं तो छोड़ दो ना। ओके अगर आपके लिए ओके ना तो मेरे लिए भी ओके। ओके वहां के लिए ओके या यहां के लिए? डैड, आई लव यू डैड। राजा राजा संभल के। पिताजी। आओ बेटे, तुम्हारे साथ बात करने की सोच रहा था मैं। कल शहर गया था, जायदाद के बारे में वकील से बात की है, आज डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे। कल सुबह ठीक 10 बजे तुम बाप बेटे अगर रजिस्टर ऑफिस आ जाओगे तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। पिताजी वो बेटियों के लिए जो कुछ करना था वो मैं कर चुका हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। वो बात नहीं है, जल्दी में मेरे बाप दादा ने जो किया वही तो मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? गांव वापस जाना है। हाल ही में तो जाके आए हो तुम। नहीं पिताजी, मैं और राजा हांगकांग जाना चाह रहे हैं। विदेश जाना है? जाना जरूरी है, वो तुम्हारी मातृभूमि है क्या? अपने परिवार के साथ रहना पसंद नहीं, उनसे दूर रहना चाहते हो? सारा बिजनेस वहीं छोड़ के आ गया हूँ मैं, जाके सेटल कर। जान मुझकर तुम काम अधूरा छोड़कर वहाँ आए हो और हम सबको धोखा दे रहे हो, बोलो बोलते क्यों नहीं? मैंने तो सोचा सब कुछ वहाँ छोड़कर तुम अपनों के साथ रहने आए हो, अब समझ में आया कि तुम सिर्फ यहाँ घूमने आए हो, ये कोई धर्मशाला है? नहीं पिताजी, मैं और राजा जाके सारा बिजनेस सेटल करके वापस आ जाएंगे। बस बहुत मनमानी कर ली तुमने। बेटे मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा पोता यहाँ पर छोड़कर जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पिताजी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत बोलिए पिताजी, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए पिताजी। अपना ख्याल रखना।
देख लिया इसने तो सिर्फ कहा मैं जा रहा हूँ और ये तो पूरी तैयारी करके पेटी लेके आ गया है। इनके लिए तो बिजनेस और पैसा ही सब कुछ है, अपना पर नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर। सुन, यहाँ पे इतनी जायदाद है कि 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। वहाँ विदेश जाके कमा के हमारे बेटे को पालने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, हम इसे संभाल के रख लेंगे, चाहे तो तू चला जा। दीदी तुम भी पागल जैसी बातें कर रही हो, मैं जाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जाके वापस आऊंगा कह रहा हूँ ना। वहाँ का सारा बिजनेस वैसे का वैसे ही पड़ा है, वहाँ जाके सेटल करके वापस आ जाएंगे। क्या है भाई साहब, आपकी शादी तो देख नहीं पाए, कम से कम इसकी तो शादी देख लेंगे, कुछ दिन रुक जाइए ना। जी शादी आकर भी उस दिन से लेके आज तक तेरी वही जिद है, तुझे जाना है तो चला जा, इसे यही छोड़ दे। सुनिए बुआ जी, हांगकांग में मेरा कर्ज सर्टिफिकेट वगैरह सब है ना, यूं ही पड़े हैं, वो सब मैं ठीक करके सब लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ। वही तो, उसी का तो खून है, वैसा ही तो रहेगा। जाने वालों को जाने दो, तुझे जाना है तो चला जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अरे हाथ मत लगा, अरे इसको जरा भी दया नहीं आती हम पर। मौका बात को तुम आगे बढ़ा रही हो और बेकार में झगड़ा कर रही हो मुझसे। मैं बेकार का झगड़ा कर रही हूं? मैं क्यों घर छोड़ के गया? तुम क्या जानती हो? बताओ क्यों गया? और तू है कि मुझसे झगड़ा लड़ाएगा? बेकार में बहस कर रही है, मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तुम? मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से। तब कौन ख्याल रखा था इन सबका? अभी तो मुझे अरे बाप रे, दादाजी दीदी बहन करके शांत हो जाओ। अब और कोई झगड़ा मैं इस घर में नहीं चाहता, पता नहीं और कितने दिन तक ये सास चलेगी। सबको अपनी अपनी खुशी प्यारी है, उसी में मेरी खुशी है। अपने बेटे को तो मैं अपना बेटा कह सकता हूँ, लेकिन बेटे के बेटे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग राजी खुशी जाकर आओ, तुम लोग यहाँ पर नहीं रहे तो क्या होगा? इस 4 दीवारी के अंदर मेरी सास घुटती रहेगी और मैं इस दुनिया से चल बसूंगा। दादाजी कम से कम उस दिन तो आओगे ना। क्यों इसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना वापस आएंगे, जरूर हम वापस आ जाएंगे। जिंदगी के बाकी वक्त हम आपके साथ गुजारेंगे, क्यों डैडी? यस, ये वादा बिल्कुल मेरे लिए इतना ही काफी है। ये क्या है दादाजी? ये आयुष माला है, ये मेरे दादा और उनके दादा पहनकर ही 100-100 साल की जिंदगी जिए हैं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, अब तो तुम विलायत जा रहे हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसीलिए मैं तुम्हें पहना रहा हूँ।